आज समराता गांव में आए हो, समराता गांव में 13 तारीख को मतदान के दिन यहां पे बहुत बड़ा विवाद हो गया था, उसके बाद आप आज आए हो, आपको क्या देखने को मिला, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो आप? देखिए, हम भारत आदिवासी पार्टी की ओर से आए हुए हैं। हमारे रतलाम मध्य प्रदेश सराना के विधायक अमरेश्वर डोरियार हैं, दरियाबाद विधायक थावरचंद डामोर हैं और हमारे बागीदारा विधायक जय कृष्ण पटेल जी हैं और हमारे ये राष्ट्रीय प्रवक्ता जितेंद्र मीणा जी हैं। और हमने ये तय किया था कि हम लोग दौसा, सवाई माधोपुर और लालसोट में ज्ञापन देते हुए लास्ट में इस गांव तक पहुंचेंगे और गांव वालों से सही बात का पता लगाएंगे। यहाँ आने के बाद में हमने इस नतीजे पर पहुंचे कि सबसे बड़ी सरकार की नाकामी और पुलिस की नाकामी हमें दिखाई दी। इन महिलाओं के ऊपर, महिला पुलिस के नहीं होते हुए भी महिलाओं के ऊपर जो लाठियां बरसाई वो कायरतापूर्वक है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। जिन पुलिस वालों की ड्यूटी गांव में लगी थी वो पुलिस वालों की नौकरी से बर्खास्त होना चाहिए, हम लोग ये डिमांड करते हैं। हमारे दोनों विधायक विधानसभा में इस मुद्दे को उठाकर उन पुलिस वालों को नौकरी से बर्खास्त करवाएंगे। दूसरी बात कहना चाहते हैं कि इस गांव के अंदर जिन जिन युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, बुजुर्ग के साथ मार पिटाई हुई है उनको सरकार मुआवजा देवे, जिनके घर जले उनका मुआवजा देवे। डॉक्टर किरदाल जी मीणा भी आए थे लेकिन उनके आने से पहले पुलिस और राज्य सरकार सारी गाड़ियां लेके भाग गई, तो गांव वालों ने उसका रिकॉर्डिंग कर रखा है। सरकार उसकी ओर ध्यान देकर उन गाड़ियों का मुआवजा सुनिश्चित करावे और इस गांव की जो असुविधाएं हैं उसको उस दूसरे खंड में डाल के, दूसरे प्रखंड में डाल के जिस प्रकार से उन गांव वालों का अत्याचार किया है, जिस गांव में वो लोग जिस उपखंड में जाते हैं, उपखंड कार्यालय में जाना चाहते हैं, उसी उपखंड कार्यालय में उनको रखा जावे। और हम लोग आने वाले समय में अगर सरकार इनकी बात नहीं मानती है तो राजस्थान के, पूरी राजस्थान के जो मेड़ा इलाके, बहुल इलाके हैं वहाँ तो मूवमेंट हो रहा है। हम दक्षिण राजस्थान से इलाके से भील आदिवासी समुदाय आए हुए हैं और मध्य प्रदेश से आए हुए, गुजरात से आए हुए और पूरे इलाके में हम इस समरसता गांव के जिस घटना हुई उस गांव घटना को लेकर पूरे भारत देश के अंदर हम लोग जाएंगे और इस बात को हम सदन पर रखेंगे, पटल पर रखेंगे और विधानसभा के साथ साथ में मध्य प्रदेश की विधानसभा, राजस्थान की विधानसभा के साथ साथ में हम देश के सर्वोच्च न्याय, सर्वोच्च पंचायत लोकसभा में हमारा एक सांसद गया है उसके मार्फत से हम बात रखवाएंगे और जो निर्दलीय गए वो भी इससे मार्फत से हम बात रखवाने का काम करेंगे। बाकी आए हमारे विधायक ठेलाना और ये अपनी बात रखेंगे, सराना विधायक कमल। शुभ नाम क्या सर आपका? कांतिलाल रोहत और लोग मुझे प्यार से कांति आदिवासी कहते हैं। मैं भारत आदिवासी पार्टी का संस्थापक, मैं कमलेश्वर रोडियार विधायक मध्य प्रदेश की सैलाना से। यहाँ हमें पता चला कि आदिवासी मीणा समाज के ऊपर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक हमला किया था वोटिंग के दिन में। यहाँ जब लोगों की मांग थी कि अपना गांव है वो दूसरे उपखंड में जुड़वाना, दूसरे ब्लॉक में जुड़वाना, उसको लेकर के बिल्कुल सिंपल सी मांग थी, सरकार उसकी मांग को पूरा करना था। जबरदस्ती सरकार के निर्देशन में काम करने वाले प्रशासन ने 2-3 लोगों से, कर्मचारियों से वोट डलवा डरा धमका के। इन्हें पता होना चाहिए कि जो है वो एसटी समाज से बिलोंग करता है मीणा, और जो दबाव बना करके जिन्होंने डराया है, धमकाया है एसडीएम ने, उसके खिलाफ एसटीएससी प्रिवेंशन एक्ट अत्याचार निवारण मुकदमा होना चाहिए। कलेक्टर का भी रोल है ये जो हमला हुआ इस पर, और पुलिस अधीक्षक का भी रोल है। सबसे पहले एसटीएससी में मुकदमा होना चाहिए, जितने पुलिस वाले जिनकी यहाँ ड्यूटी लगी थी, जिन्होंने हमला किया, और जितनी प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ है, नुकसान हुआ संपत्ति का, गाड़ियां जली, मकान भी तोड़े, बहुत नुकसान किया है, इसमें भी अत्याचार निवारण मुकदमा दर्ज करो। और सारे जो पुलिस वाले हमला करने वाले थे, एसडीएम, कलेक्टर और एसपी, और तीनों और सारे पुलिस वाले, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, बर्खास्त होने की मांग करते हैं और लोगों को मुआवजा दें, ये मांग करते हैं मध्य प्रदेश की ओर से।